Hello student, welcome to online classes. Today I am going to teach you civics of class 10. Our topic is decentralization. I will discuss some points. First, what is decentralization? Decentralization means power of division. डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण, और इसे कहा जाता है सत्ता का विभाजन. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, एंड थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. टूडे आई विल डिस्कस ओनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फर्स्ट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड नगर पालिका, एंड सेकेंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड पंचायती राज. तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन पंचायती राज एंड नगर पालिका, सम पॉइंट्स आई विल डिस्कस. फर्स्ट लॉर्ड मेयो रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1817 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बट नॉट अस्टार. फर्स्ट टाइम इंडिया में 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा इसे विचार रखा गया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट करें, बट स्टार्ट नहीं हो पाया. 1882 लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट. सो इसीलिए फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड लॉर्ड रिपन. इंडिया में फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट इन 1882. आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट योजना 1952 सामुदायिक विकास योजना, एंड सेकेंड राष्ट्रीय सब विस्तार सेवा योजना 1952. बोथ योजना वॉज फिल्ड आफ्टर नेहरू जी. फर्स्ट कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी का गठन किए थे दोनों योजनाओं को जांच के लिए, जिसमें 1957 में इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इंडिया में थ्री टायर्स गवर्नमेंट को स्टार्ट किया है. इन्हीं के एडवाइस पर नेहरू जी 2 अक्टूबर 1957 राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी विलेज में पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट कर. 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती पर. वही गांधी जी जयंती पर इसीलिए किया गया था क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि इंडिया का जो हृदय है वो गांव में बसती है. सो 2 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम राजस्थान के नगौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी विलेज में पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया था. बट 11 अक्टूबर 1959 को इंटायर स्टेट यानी होल स्टेट आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट जो इंटायर स्टेट में पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया गया. एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 73 अमेंडमेंट 1993 एंड 74 अमेंडमेंट 1993 एंड 73 पंचायती राज एंड 74 नगर पालिका. सब पॉइंट आई विल डिस्कस. 22 दिसंबर 1992 लोकसभा एंड 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा बिल पास किए थे 73 एंड 74 अमेंडमेंट, बट 24 अक्टूबर 1993 को प्रेसिडेंट इसे लागू. इसलिए कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि 92 या 93. तो 92 में लोकसभा में बिल पास हुआ था, 93 में इम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए 73 अमेंडमेंट जो स्टार्ट हुआ लागू हुआ वो 93 होना चाहिए. पंचायती राज सिस्टम इज ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर. पंचायती राज दिवस 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है यह आप समझ लेंगे, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किए थे, लागू कर दिए थे, इसीलिए 24 अक्टूबर को एवरी ईयर पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड फर्स्ट 73 अमेंडमेंट
इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 9 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल्स 243A to 243O, शेड्यूल 9 एंड सब्जेक्ट 29 को ऐड किया गया था एंड फर्स्ट स्टेट कर्नाटका 73 अमेंडमेंट को एडॉप्ट किया था, लागू कर पाया था एंड 74 अमेंडमेंट नगर पालिका से रिलेटेड है। पार्ट 9 ए ऐड किया गया आर्टिकल 243P to 243ZP तक ऐड किया गया एंड शेड्यूल 12 एंड सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट्स 18 को ऐड किया गया। सो 73 एंड 74 अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो एंड नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज सिस्टम, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, थ्री टाइप्स। फर्स्ट ग्राम सभा, सेकेंड पंचायत समिति एंड थर्ड जिला परिषद। थ्री टाइप्स पंचायती राज। फर्स्ट ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, है ना। तो ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत का इस्टेब्लिश किसी भी स्टेट में गवर्नर के सिफारिश पर की जाती है, गवर्नर करते हैं राज्यपाल। एंड थ्री टाइप्स में ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड जिला परिषद होते हैं, है ना। फर्स्ट ग्राम सभा जो स्मॉल टायर होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा थ्री टायर में, तो एक मिनिमम इनका पॉपुलेशन 3000 होना चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ वार्ड 9 पर 1000। पॉपुलेशन इंक्रीज जब होते हैं तो उसे दो वार्ड इसमें बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ग्राम सभा में मिनिमम पॉपुलेशन 3000, नंबर ऑफ वार्ड 9 एंड पर 1000 पॉपुलेशन इंक्रीज करने पर दो यानी टू वार्ड्स बढ़ जाएंगे। तो ये पंचायत लेवल होगा जिसे हम लोग ग्राम सभा। सेकेंड पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति का मिनिमम पॉपुलेशन 1 लाख एंड नंबर ऑफ वार्ड 15 एंड 15,000 पॉपुलेशन इंक्रीज पर 15,000 पॉपुलेशन में दो यानी टू वार्ड्स बढ़ जाता है। तो सेकेंड पंचायती राज सिस्टम। थर्ड जिला परिषद, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, मिनिमम पॉपुलेशन 4 लाख एंड नंबर ऑफ वार्ड 17 पर 1 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज जब करेंगे तो उनमें भी टू वार्ड्स बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट जिला परिषद, ग्राम सभा एंड पंचायत समिति, ये क्या है ये समझ में आ गया होगा एंड 73 एंड 74 अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है आपको डिसेंट्रलाइजेशन का। आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।